हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो सारे। आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है लोकेश विश्वकर्मा, मैं आप सभी प्यारे बच्चों का जो है स्वागत कर रहा हूँ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस पर। तो अभिप्सा बच्चा एक अनुभवी शिक्षकों की टीम है, जहां पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माध्यम में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सारे विषयों के बच्चे क्या हो गया, बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई कराई जाती है। तो बच्चों, हम जो है आज के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस हम मुद्दे पे बात करेंगे भैया, वो हमारा रहेगा क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर के ऊपर बात करेंगे, और जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर जो है बात करेंगे। तो क्यों बच्चे, क्योंकि हम जो है ये क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर जो है क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि आपके ये बोर्ड में, ठीक है, आप जब बोर्ड में जाओगे 12th में, ये खैर जो है ये 11th के टॉपिक है, लेकिन जब आप बोर्ड पे जाओगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हमको जो है क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा, कि क्वांटम नंबर से आखिर कौन कौन जो सुपर हीरोज में हम बांट सकते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप जो है बहुत कुछ नए चीजों यहाँ पे सीखने वाले हो। और इवन भैया, आप जब जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट करने जाओगे ना, जब जेई नीट जो है जैसे एग्जाम जाओगे, तो वहां पे भैया आपको इससे क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उन टॉपिक्स और उन क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हम जो है क्वांटम संख्या स्टार्ट करते हैं। तो एक जो है क्वांटम संख्या जो स्टार्ट करने से पहले हम जो है एक कुछ ही बातों पर बात कर लेते हैं। हम जो है एक बात कर लेते हैं, जब कक्षा 11th में थे, ठीक है, खैर जो 12th में देख रहे होंगे बच्चा, कक्षा 11th का जो है चैप्टर जब पढ़े होंगे परमाणु संरचना, उस परमाणु संरचना में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ी थी बच्चे, तरंग यांत्रिकी मॉडल। क्या पढ़े बेटा, तरंग यांत्रिकी मॉडल। तरंग यांत्रिकी मॉडल में क्या होता है बच्चे, आपने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा होगा। उस श्रोडिंगर समीकरण एक बार मैं बता देता हूं, श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है सर, क्योंकि हम जो है कौन बच्चे, हम जो है बच्चे हैं, थोड़े से घूमते फिरते यहां पे आ गए हैं, तो हमको श्रोडिंगर समीकरण के बारे में मालूम नहीं है, आप बता दीजिए। तो बच्चे देखो, हम बता दे रहे हैं कि हमारा जो श्रोडिंगर समीकरण जो होता है, क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल डी वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको भी डेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेल कर सकते हैं, चलो ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी, या फिर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या होता है बच्चा, श्रोडिंगर समीकरण होता है, श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है, जो आपने तरंग यांत्रिकी मॉडल में पढ़ा होगा, ठीक, इसको हम लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बोला बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन बोला जाता है इन सबको, जो पूरा कर बुझा है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये हमारे श्रोडिंगर समीकरण है। बड़ा लंबा सा जो है, जो समीकरण है बड़ा सा जो है लंबा हमारा क्या इक्वेशन है बच्चे, आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है, आपको जो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये जो हम क्वांटम संख्या जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आया कहां से है, इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो कि हमारा जो श्रोडिंगर समीकरण होता है बच्चे, श्रोडिंगर समीकरण जो होता है आपको दिख रहा है यहां पे कुछ कुछ अजीब सी चीजें दिख रही है आपको, कुछ अजीब सी साइन दिख रहा होगा बच्चा, वो क्या है, साइन एक त्रिशूल से जो है क्या दिख रहा है, हमको साइन देखने को मिल रहा है। तो वो त्रिशूल क्या है बच्चा, वो त्रिशूल जो है हमारा क्या है, साई बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं बच्चे, साई बोलते हैं, ठीक है, साई है हमारा, और ये बताता है हमको इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है पाए जाने की जो है प्रायिकता बताता है, संभावना को बताता है बच्चे, ठीक है, संभावना को बताता है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताता है, ठीक है, प्रायिकता को बताता है, संभावना को बताता है बच्चे, क्या बताता है, संभावना को बताता है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पाया जाता है। इसके बाद हम जो क्या करेंगे, आकृतियों के ऊपर बात करेंगे, कक्षक की जो आकृतियाँ होती है ना, उस पर हम बात करेंगे। तो बेटा आज जो लेक्चर करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार लेक्चर है भैया, तो उसको आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो ये हम साई स्क्वायर की बात किए, तो इलेक्ट्रॉन की जो है पाए जाने की प्रायिकता क्या बताते हैं, हमारा साई स्क्वायर जो बताता है। तो यहाँ पे जो साई स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, एक त्रिशूल का आकार का दिख रहा होगा साइन, वो हमारा क्या है, साई बोला जाता है उसको, ठीक है। तो हमारा जो है श्रोडिंगर समीकरण आपको समझ आया, जब इसी श्रोडिंगर समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है, आप डरिए मत, आप सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है। जब इसी को साइंटिस्ट लोगों ने सॉल्व किया, तो क्या हुआ, हमको तीन जो है सॉल्यूशन मिले। इसको जब सॉल्व करने के बाद हमको जो है तीन सॉल्यूशन मिले बच्चे, ठीक है, यहां से हमको जो है तीन सॉल्यूशन जो है देखने को मिले थे, तीन जो है सॉल्यूशन मिले, ठीक है, तीन हल मिले थे। और वही तीन हल जो है बच्चे, वो क्या है, तीन हल जो हमारे तीन क्वांटम नंबर्स कहे जाने लगा, ठीक है, तीन क्वांटम नंबर कहने लगा। अब बड़े भैया, हम जो है सर क्या है, हम जो है क्लासेस में हमको जो सर बताएंगे, हमारे क्वांटम संख्या जो होती है चार होती है,
क्या होती है बच्चे, चार होती है। तो बच्चे जो हमारे जो रियल जो क्वांटम नंबर होते हैं, जो हमको क्या मिला हुआ है, जो श्रोडिंगर समीकरण से जो मिला हुआ है वो क्या है, तीन है। ठीक है, हमारे पास तीन जो है श्रोडिंगर समीकरण के सॉल्यूशन से मिला हुआ है। ठीक है, तीन क्वांटम नंबर, तीन जो है क्वांटम नंबर हमको जो है सॉल्यूशन से मिला हुआ है श्रोडिंगर समीकरण के। ठीक है बच्चे, ये बात एकदम क्लियर है, इसको नोट करना। ठीक है, अब जो है हमारा जो चौथा जो क्वांटम नंबर, हमारा जो एक और क्वांटम नंबर, ये क्या एक्सपेरिमेंटेड मिला हुआ था, क्या बच्चे एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ था। ठीक है, अब वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फिलहाल आप इतने जान लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप जान लीजिए कि हमारे पास जो एक जो क्वांटम नंबर जो था बच्चे, वो क्या था, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ था। ठीक है, जब साइंटिस्ट लोग जो है उसको एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तब जाके ऑब्जर्वेशन में जो है हमारे पास जो एक जो है क्वांटम नंबर मिला। हमारे पास जब टोटल जो क्वांटम नंबर थे, टोटल जो क्वांटम नंबर, जो क्वांटम संख्या है वो कितने हो गई बच्चे, चार। अब देखो बच्चे, आपने जैसे बोला हुआ था चार क्वांटम संख्या होते हैं सर, तीन नहीं होते। ठीक है, तीन नहीं होते, तो हमारे पास जो बच्चे क्या हो गए, चार क्वांटम संख्या हो गए, चार जो है क्वांटम नंबर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। अब सर आप जो है क्वांटम नंबर बोले तो जा रहे हो, ये क्वांटम नंबर होता क्या चीज है बच्चे, ठीक है, इस पे बात करते हैं। इतनी बात अच्छे से सारे बच्चों को समझ आई होगी। ठीक है, तो क्वांटम नंबर की आप बात करते हैं, हमारे पास जो है टोटल चार क्वांटम नंबर हो गए हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट से मिला है और तीन जो इस श्रोडिंगर समीकरण को जो सॉल्व करने से मिला हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना। ठीक है, आपको जो है जब जेईई नीट फाइट करने जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन सर, कि क्वेश्चन ये था बच्चे कि श्रोडिंगर समीकरण, तरंग यांत्रिकी मॉडल में जो श्रोडिंगर समीकरण होता है ना, उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो कितने रियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो कितने रियल सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, रियल सॉल्यूशन जो होते हैं तीन होते हैं। कितने बच्चे, तीन। और उस ऑप्शन में जो है तीन, एक, चार, दो ऐसे दिया ही होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए चार दिया होगा, क्लियर बात है, तो आप चार टिक नहीं मारोगे। आपके पास जो रियल सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, हमारे पास तीन होते हैं। ठीक है, एक जो होता है एक्सपेरिमेंटेड होता है, तो हमारे पास टोटल जो है चार क्वांटम संख्याएं होती है, क्लियर बात इतनी बच्चे। ठीक है, अब देखो क्वांटम संख्या की बात कर लिए, तो क्वांटम संख्या होता क्या चीज है बच्चे। ठीक है, क्वांटम संख्या होता क्या चीज है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों चलो, ठीक है, क्वांटम संख्या की बात कर ले, तो मैं जो है सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया आप जो है अपने पेन पेपर कॉपी, ठीक है, जो भी रखना है रख लीजिए, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। क्यों भैया, क्योंकि सर जो है आप लोग को जो है क्वांटम संख्या की दुनिया में जो है सफर कराने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो क्वांटम संख्या पे हम जो है सफर करने वाले हैं, कि क्वांटम संख्या होता क्या चीज है, इसमें बहुत अलग अलग तरीकों जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो क्वांटम संख्या को आप समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होंगे, सारे बच्चे के पास जो है आधार कार्ड तो होंगे। ठीक है, आपके पास जब आधार कार्ड होंगे तो उस आधार कार्ड में आपको जो है एक नाम दिखेगा जो आपका होगा। ठीक है, आप ही का होगा, आपका आधार कार्ड है तो आप क्या होगा नाम। ठीक है, उस आधार कार्ड में क्या होगा, आपका नाम होगा, आपके पिताजी के भी नाम होंगे बच्चे, आपने नोटिस किया होगा आपके पिताजी के भी नाम है, आपके एड्रेस भी दिख रहा होगा उसमें। ठीक है, आपका एड्रेस भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ आप जहां रहते हो, जिस घर पे रहते हो, जिस मकान में रहते हो, जिस गली में रहते हो, ठीक है बच्चे, उसका पूरा का पूरा जो है एड्रेस आपको वहां पे दिख रहा होगा। तो वो आधार कार्ड क्या है भैया, वही जो आधार कार्ड आपको पूरी की पूरी जो है जानकारी दे रहा है, एक आदमी की जो है, आप एक क्या है इंसान हो, उसके पूरी की पूरी जो है डेटाबेस, मतलब पूरी की पूरी जो जानकारी जो है उस एक आधार कार्ड में देखने को मिलता है। इवन भैया जब उसको स्कैन करा दे तो आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी क्या होता है उसमें देखने को मिलता है, क्लियर बात है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया हमारा जो एक जो है इंसान की जो है सारी की सारी जो डेटा होती है, सारी की सारी जो नाम नंबर है ना, नाम नंबर, फैमिलीज के नंबर, ठीक है, जो अकाउंट का नंबर, वो सारी चीज़ जो एक ही आधार कार्ड में हमको देखने को मिलती थी। ठीक है, देखने को मिलती है। अब ऐसे ही हमारे पास क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर है बच्चे। ठीक है, क्वांटम नंबर जो है आदमियों का जो है नंबर नहीं बताता। ठीक है, आदमी की जो प्रॉपर्टीज नहीं बताएगा, लेकिन किसकी बताएगी, हम परमाणु पर रहे हैं तो परमाणु के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या बताएगी, आकृतियों के बारे में जानकारी देगी, आकृतियों के बारे में जानकारी देगी, और क्या देगी बच्चे, उसके कक्षक के बारे में जानकारी देगी, ऊर्जा के बारे में जानकारी देगी, और कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है वो, उसके बारे में जो है जानकारी देता है। ठीक है बच्चे, तो सिंपल हम डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हमारा जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या बच्चा क्या है, चार संख्याओं का एक समूह होता है, एक सेट होता है बच्चा। ठीक है, चार डिजिट का एक समूह होता है। ठीक है, जो क्या होता है, परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे संबंधित, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं, जैसे उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसकी आकार क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होगी, ये सारे के सारे जो गुण होंगे उसके हम जो है आसानी से पता कर सकते हैं, किसके द्वारा, क्वांटम संख्या के द्वारा, क्वांटम नंबर के द्वारा। क्लियर बात है बच्चे, क्वांटम नंबर क्या होता है ये बात समझ आई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ, चार क्वांटम संख्या होती है सर, चार क्वांटम संख्या है। ठीक है, चार क्वांटम नंबर होते हैं बच्चे, इस चार क्वांटम नंबर पे हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सबर रख लीजिए, इस पे हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो क्वांटम नंबर की ये पूरे का पूरा जो फंडा आपको समझ आया होगा। तो देखो हमारे पास जो चार क्वांटम नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे, क्या है हमारे पास, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको मैं बोल दूं कि अगर मैं इसको क्वांटम संख्या ना बोलूं बच्चे, इसको मैं क्या बोलता हूं, हमारे पास चार सुपर हीरोज यहां पे मौजूद है। क्या बच्चे, चार सुपर हीरोज यहां पे दिख रहे, कौन कौन से सुपर हीरो सर, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं,
हाँ, जिसको बोलते हैं बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता है बच्चा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं एजोमिथल। ठीक है, एजोमिथल, एजोमिथल क्वांटम नंबर, या फिर इसी को जो है एंगुलर क्वांटम बोलते हैं, एंगुलर एंगुलर क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, इसे ऐसा बोला जाता है। और हमारे पास जो तीसरा सुपर हीरो, हमारे पास चार सुपर हीरोज है, इन जो दो सुपर हीरोज का हम लोग नाम जान लिए। ठीक है, हम पहले नाम जानेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, काम जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम पहले नाम जान लेते हैं, उसके बाद काम की बात करते हैं। तो हमारा जो हमारा जो तीसरा है, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, और ये मेरा चौथा। ठीक है, हम जो तीसरे जो सुपर हीरोज है उसके बाद चक्रण चुंबक, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बच्चे, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक 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 क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला जाता है। और भैया हमारा जो चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसकी इंग्लिश में बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बच्चे, स्पिन क्वांटम नंबर। हम जो है दोनों भाषाओं में जो है बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, हम जो है दोनों भाषाओं में यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जब हायर स्टडी के लिए जाओगे ना, तो आपको जो है प्रोफेसर जब बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आपको ये वर्ड जो नया नया सा ना लगे, ठीक है, नया सा ना लगे। इसलिए हम जो है दोनों लैंग्वेज के जो है एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आपको जो समझ आनी चाहिए बातें। ठीक है, मुद्दा तो एक ही रहेगा, सारे डेफिनेशंस एक ही रहने वाले, जो कंसेप्ट रहेगा वो एक ही रहने वाले, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है बच्चे, जब पढ़ने जाओगे तो आपको अनोइंग ना लगे। ठीक है, आपको जो है ऐसा मत लगे कि भैया सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, है ना। हाँ, बता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही रहे, मुख्य क्वांटम संख्या ही रहे बता रहे हैं, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं लगे कि ये कुछ अलग बोल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा हम जो है दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हमारे पास जो चार सुपर हीरोज है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चे इस पे जो हम वन बाय वन एक एक करके बच्चे हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, और भाई हमारा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम भैया मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग जो है आपको याद रख लेना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, कोस की जानकारी देता है, कोस के बारे में बताता है, कोस की जो है जानकारी देता है बच्चे। क्या बताता है, कोस की जो है जानकारी देता है, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ हमको जो है कोस की जानकारी देता है, और इसको हम प्रदर्शित जो है, इसको हम प्रदर्शित मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन जो है हम एन से करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एन से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन से जो हम दर्शाते हैं बच्चे। ठीक है, दर्शाते हैं, ये हमारे कोस की जानकारी देता है। और साथ ही साथ जब क्या करेंगे बच्चे, ये अब इतनी कहानी आप लोग जान लिए होंगे कि इसको ये क्या बताता है, हमारा कोस की जानकारी देता है। कोस क्या होता है सर, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोस क्या होता है सर, उस कोस को समझने के लिए आपको जो है मैं परमाणु की संरचना बताता हूँ कि परमाणु में कैसे जो है हम कोस को बता कर सकते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बच्चे, बचपन में पढ़ा होगा कि भैया हमारे पास जो होता है के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, वही सेल है बच्चे। ठीक है, कोस को ही क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक है, हमारे पास सेल जो मौजूद होता है, क्या हम सेल को जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, बिल्कुल हाँ सर, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, है ना, ये पूरा सर्कल रहेगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो है सर्कल रहेगा। ठीक है बच्चे, पूरा का पूरा जो है सर्कल रहेगा, ऐसे मतलब पूरा गोल घुमा रहेगा। हमारा परमाणु क्या होता है, स्फेरिकल ना, हमारा परमाणु क्या है, स्फेरिकल है, लेकिन जो है थोड़ा और एकदम डिटेल में जाएंगे बच्चे, तो हमारा परमाणु जो स्फेरिकल नहीं होता, हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अब याद देख लो कि हमारा जो परमाणु अभी स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार आकार का है। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरा क्या नाभिक है, यहां पे मेरा क्या है बच्चे, नाभिक है। हाँ सर बिल्कुल, हमको पता है ये नाभिक है। ठीक है बच्चे, आपको पता है, बिल्कुल सही है, आप नाभिक हो। ठीक है, नाभिक है, सॉरी आप नहीं, ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक है। अब यहाँ पे जो एन होगा, जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ ना, क्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था बच्चे, ये मेरा एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मेरा एन का वैल्यू वन हुआ, अगर मेरा एन का वैल्यू वन हुआ बच्चे, तो वो क्या होगा, मेरा पहला सेल होगा, मेरा पहला कोस होगा, मेरा पहला जो है क्या होगा, घर होगा, पहला कोस होगा। अब मैं कोस की बात करूँ, मेरा पहला कोस ये एन इज इक्वल टू वन हुआ, क्लियर बात है, एन इज इक्वल टू वन, मतलब इसमें मेरी एनर्जी रहेगी, क्या होगी ये एज मेरे को क्या बताया, ऊर्जा की भी, ऊर्जा के बारे में भी बताता है। एन क्या बताता है बच्चे, मेरे को ऊर्जा के बारे में भी जानकारी देता है, मतलब ये पहला जो सेल रहेगा, इसकी जो गुण रहेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो पहले सेल में ही घूमते रहेंगे। क्लियर बात है, क्लियर बात है बच्चे, मतलब मैं सिंपल बात बोलूँ आपके पास क्या है, ऐसे दो पूरे घूम रहेंगे। क्लियर बात है, आप देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि भैया ये हमारे क्या है परमाणु है, इसमें जो है हमारे पास जो पहला सेल ये हमको ऐसे मिला, हमारे पास पहला सेल ऐसे मिला, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बच्चे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसी सेल में जो है घूमते रहेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इसी सेल में ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से बच्चे, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो आपको बात जो है स्कूल्स में भी या फिर कहीं भी आपको समझ आई होगी, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक ही सेल में जो है घूमता रहेगा। ठीक है, हमारा पहला कोस, हमारा जो पहला सेल, हमारा जो एन इज इक्वल टू वन, मतलब क्या है, हमारा ऊर्जा को बताता है, एन क्या बताता है, हमको ऊर्जा के बारे में जानकारी भी देता है। ठीक है, अब क्या करो, एन इज इक्वल टू टू,
एन इज इक्वल टू 3 n is equals to 4. मतलब क्या हो, समझ आ रही बच्चे? हमको जो हमारा जो सेल है, हमारा जो कोश है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. क्या बच्चे? हमारा जो सेल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, मतलब मैं सिंपल यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकता हूँ. अगर मेरा जो है n का वैल्यू, अगर मेरा n का वैल्यू बढ़ता है, n का वैल्यू बढ़ता है, तो मेरा परमाणु का जो आकार रहता है बच्चे, परमाणु का आकार जो रहता है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. आपको यहाँ पे समझ आई कि हमारा जो पहला सेल तो ऐसा छोटा सा क्या बनेगा, पहला जो हमें मेरा मान लो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो, अगर मेरा पहला सेल यहाँ पे है, ठीक है, मेरा क्या होगा, ये मेरा पहला सेल एक. अब दूसरा सेल होगा तो क्या होगा बच्चे, मेरे को दूसरा सर्कल मिलेगा, ऐसे दूसरा सर्कल मिलेगा. अब तीसरा रहेगा तो मेरे को तीसरा सर्कल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना. तो इस प्रकार से मेरे परमाणु के जो आकार रहेंगे, परमाणु के जो आकार है बच्चे, वो क्या होगा, बढ़ रहे हैं. इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा एन का वैल्यू अगर बढ़ता है, अगर एन का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा आकार होगा, मेरा आकार क्या होगा बच्चे, मेरा नहीं मतलब परमाणु का आकार भैया, ठीक है, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्लियर बात है, बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मेरा एन का वैल्यू बढ़ता है, हम यहाँ पे बात किए एन क्या बढ़ता, क्या दिखा रहा है हमको, एन जो है ऊर्जा के बारे में भी जानकारी दे रहा है. तो अगर मेरा एन का वैल्यू बढ़ेगा बच्चा, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा क्या होगी, ऊर्जा भी क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी. यहाँ पे देखो एन का वैल्यू मतलब इस वाले सेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी सेल में जो घूमते रहेंगे, मतलब उसी में जो है आकर्षित होंगे. ठीक है, नाभिक में जो पहला जो सेल रहेगा वो जो इसमें सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को जो है नाभिक के बहुत क्लोज हो गए, और वो जो है नाभिक से क्लोज होंगे तो क्या होंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, है ना, अट्रैक्शन लगेगा. दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भैया एक ही दूसरे को जो है आकर्षित करते रहेंगे, मतलब वहां पे जो एनर्जी रहेगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर बात है, एनर्जी जो ज्यादा होगी. हम बोल सकते हैं कि हम जो अगर एन का वैल्यू बढ़ा दूं, मैं एन का वैल्यू बढ़ा दूं बच्चे, तो क्या होगा, मेरी ऊर्जा जो है बढ़ेगी, मेरी ऊर्जा क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी. मेरा अगर एन का वैल्यू बढ़ा दूं मैं, तो मेरी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी. तो क्लियर बात है, तो हमारे पास जो की पॉइंट्स है, ठीक है, आप पूरा का पूरा डेफिनेशन पढ़ सकते हो. हाँ बच्चे, तो हम लोगों ने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पूरा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ लिया कि मुख्य क्वांटम संख्या हमारा क्या होता है. मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है ना बच्चे, वो हम कोशों के बारे में जानकारी देता है, हमारे सेल के बारे में जानकारी देता है. ठीक है बच्चा, और भाई इसको हम लोग एन से प्रदर्शित कर सकते हैं. अगर मेरा एन का वैल्यू बढ़ेगा, अगर मेरा एन का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी. क्या होगी बच्चे, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी. यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि अगर मेरा एन का वैल्यू बढ़ा तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी. क्या होगी बच्चे, मेरा ऊर्जा बढ़ेगा. ठीक है, अगर मेरा n का वैल्यू बढ़ा, अगर मेरा n का वैल्यू बढ़ा तो मेरा आकार भी बढ़ेगा. मेरा मतलब परमाणु का आकार भी क्या होता है बच्चे, बढ़ता जाता है. एकदम बात ये सारे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अब दूसरा हम दूसरी बात करते हैं. अब भैया हम जो है मुख्य क्वांटम संख्या पूरा खत्म कर चुके हैं, अब दूसरी बात करते हैं. हमारा जो दूसरा सुपर हीरो है उसके बारे में बात करते हैं. भैया क्या होगा वो, द्विगंसी क्वांटम नंबर, द्विगंसी जो है क्वांटम संख्या, एजोमेथल क्वांटम नंबर जिसे बोला जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमको ये क्या बताता है. सर ये तो बता दीजिए, ध्यान सब्र रखिए बच्चे, आप लोग थोड़ा सब्र रख लिया. क्या होता है हमारा जो द्विगंसी क्वांटम संख्या जो होता है वो उपकोश के बारे में जानकारी देता है. क्या बताता है बच्चा, सबसेल के बारे में जानकारी देता है, सबसेल के बारे में जो हमको बताता है. अब बात क्या आई होगी बच्चा, सबसेल क्या होता है, उपकोश क्या होता है बच्चे, उस पर आएंगे बच्चे. थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए. क्या होता है हमारा, सबसेल के बारे में जानकारी देता है, सबसेल के बारे में जानकारी देता है हमारा द्विगंसी क्वांटम संख्या. इसे हम लोग क्या करते हैं, एन से, एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, एल एल से. ठीक है, एन से नहीं भैया, एल से प्रदर्शित करते हैं. क्लियर बात है इतनी. अब क्या बात हुई, अब भैया जब हम एल से प्रदर्शित करेंगे, इसकी कुछ वैल्यूज भी होती है बच्चे, इसका जो है इसको कैलकुलेट करने का, इसको निकालने का जो है कुछ तरीके होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज की बात करते हैं. क्या है हमारा, एल का वैल्यू जब निकालना होगा तो हम करेंगे एन माइनस वन. क्या होगा बच्चा, एन माइनस वन होगा, एन माइनस वन. एन हमारा क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या से एक माइनस कर देंगे तो हमको एल मिल जाएगा. एकदम अच्छे बच्चे, सारे बच्चों को क्लियर होगी. अब देखो यहाँ पे हम उपकोश की बात किए हैं, तो हमारा उपकोश क्या होता है सर, उपकोश क्या होता है ये तो पहले बता दीजिए, तो थोड़ा सा रखो बच्चे. अब हमारे उपकोश की बात करते हैं, अगर मेरा एल का वैल्यू, अगर ये एल का जो है ना, ये द्विगंसी क्वांटम संख्या है, एल का वैल्यू होता है जीरो होता है बच्चे. अगर एल का वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, चलो अगर मेरा एल का वैल्यू जीरो होता है तो क्या होगा, ये एस ऑर्बिटल को प्रेजेंट करेगा. किसको, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नहीं बोलते, चलो एस सबसेल बोलते हैं. ठीक है, सबसेल की बात करें तो सबसेल बात करते हैं. एस जो है सबसेल के बारे में जो है जानकारी देता है, एस सबसेल के बारे में जानकारी देता है. ठीक है, अगर मेरा एल का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर मेरा एल का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा बच्चा, तो क्या होगा, पी सबसेल के बारे में जानकारी देगा, पी सबसेल के बारे में जानकारी देगा. अगर मेरा एल का वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या होगा बच्चा, जो मेरे को डी सबसेल के बारे में जानकारी देगा, डी जो है सबसेल. ये सबसेल भैया मैं कुछ नहीं है, उपकोश उपकोश बोले जा रहा हूँ. ठीक है, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम जो है दोनों जो है एक साथ जो है कंबाइन होकर पढ़ेंगे हम जो है सारे जो लैंग्वेजेस, सारे जो टर्म्स है बच्चे, हम दोनों लैंग्वेजेस में बताते जा रहे हैं. ठीक है, देखो पी सबसेल, एस सबसेल और डी सबसेल की बात होगी. अब देखो अगर मेरा एल का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो क्या होगा बच्चा, एफ सबसेल के बारे में जानकारी देगा हमको. कौन, द्विगंसी क्वांटम नंबर, द्विगंसी क्वांटम संख्या. ठीक है बच्चे, इतनी बातें जो है सारे बच्चे अपने कॉपी में बहुत शानदार तरीके से जो है नोट कीजिएगा. ठीक है,
अब देखो इतनी बातें सारे क्लियर हुई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया हमारा जो इसको कैलकुलेशन का जो पोर्शन आएंगी, जो एल कैसे निकालते सर ये तो हमको बता दीजिए, एल कैसे निकालिए, थोड़ा सा सब्र रखो बच्चे, मैंने बोला हुआ है आप बड़े इंपेशेंट हो जाते हो यार, ठीक है देखो थोड़ा सब्र रखो। अब देखो कैलकुलेशन की बात करते हैं, अगर मेरा एल वैल्यू, मेरा एन क्या होता है बच्चा, मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है इतना ही लिखते हैं, चलो मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो L जो होता है हमारा क्या होता है, द्विगंसी क्वांटम नंबर, ठीक है द्विगंसी क्वांटम नंबर, और जो इसके प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है बच्चे, ठीक है इसके प्रदर्शित करने का भी तरीका होता है उस पर हम बात करेंगे, यहाँ पे सामने में लिख लेते हैं, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसके प्रदर्शित करने का तरीका, इसको दर्शाने का जो तरीका होता है बच्चे, ठीक है कैसे हम लिखते हैं उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल अभी इतना जान लो कि इसको हम लोग जीरो से एल तक दर्शाते हैं, ये हमारा क्या है द्विगंसी क्वांटम संख्या, तो जीरो से द्विगंसी क्वांटम संख्या तक हम क्या करेंगे इसको दर्शाएंगे। क्लियर बच्चे, इतनी बातें समझ आई। तो अब देखो हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या अगर मेरा एल का वैल्यू, एन का वैल्यू वन हुआ, अगर मेरा पहले सेल की बात करूं, पहला सेल मतलब ध्यान से देखना, ये मेरा पहला सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है तुम पहले सेल की बात करो, अगर मेरा पहला सेल का वैल्यू, ठीक है अगर मेरा पहला सेल जो n का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है तो मैं द्विगंसी क्वांटम संख्या, मेरे का फॉर्मूला क्या है बच्चे, n माइनस वन, तो यहाँ पे मैं n का वैल्यू रख दूँ, हाँ सर बिल्कुल रख देते हैं, चलो क्या होगा 1 - 1 = 0, क्या होगा बच्चा 1 - 1 = 0, ठीक है अब इतनी बातें समझ आई हमको, 0 मिला, ठीक है। अब देखो जब n का वैल्यू क्या होगा बच्चा 2 हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे 2 वैल्यू रख दूँ, हाँ सर बिल्कुल रख देते हैं, चलो क्या होगा 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है सेम इसी प्रकार हम करते जाते हैं सारे चीज़ों को, हमारा 3 मतलब क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, ठीक है और n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा हमारा जो l जो होगा 4 - 1 = 3। अब इतनी बातें हमको जो है सारे बच्चों को समझ आई होगी, ठीक है एल माइनस वन जीरो, ठीक है 0, 1, 2, 3 की जो फिनोमिना है बच्चा आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम जो प्रदर्शित करने के तरीके पे जाते हैं, तो क्या होगा जीरो से एल तक, अब जीरो तो ले होगा ही होगा ना, अब एल तक भी जाना है हमको, जीरो से एल तक जाना है, आपको क्या होता है घर में रहते हो तो आपको स्कूल तक जाना होता है, तो जितना किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर करते हो पूरा का पूरा जो है वहां पे आ जाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे जीरो से एल तक जाएंगे। अब देखिए हमारा एल का वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू एल का तो वैल्यू जीरो है सर, क्या होगा एल का वैल्यू जीरो है तो क्या करेंगे बच्चे जीरो ही लेंगे, तो क्या होगा ये जीरो ही हो जाएगा बच्चे, क्या होगा जीरो, क्लियर बात है जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आप देखो, अगर मेरा वैल्यू क्या होता है एल का वैल्यू जीरो होता है बच्चा, क्या होता है एल का वैल्यू जीरो होगा तो कौन से सबसेल बताएगा, एस सबसेल बताएगा, एस उपकोश के बारे में जानकारी देगा, तो क्या हुआ एस जो है उपकोश, मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर जो है एस सबसेल जो है हमको जानकारी दे रहा है, क्लियर बात है सारे बच्चों को समझ आई होगी, ठीक है क्या हो गया एस सबसेल के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है बच्चे। अब देखो जब क्या हुआ सर, जब क्या हुआ हमारा एल का वैल्यू जो है हमारा द्विगंसी क्वांटम संख्या 1 हो जाता है ना, तो हमको पता है सर, आप मत बोलिए हमको पता है, हाँ बच्चे बिल्कुल पता है आपको, क्या हुआ है अगर एल का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या होगा पी सबसेल देगा, क्या होगा बच्चे पी सबसेल देगा, ठीक है इतना आपको पता चला। अब आगे यहाँ पे एक और पॉइंट पता चलेगा, क्या पता चलेगा भैया जब एल की वैल्यू 1 होगी तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे बच्चे, जीरो से वन पे जाएंगे, तो के लिए 0, 1 क्या होगा बच्चा 0, 1 ठीक है 0 और 1, ठीक है बच्चे ऐसे जाएंगे हमारे एल की जो प्रदर्शित करने का जो तरीका हो गया 0 to 1, ठीक है। अब देखो जब बात किए हम, जब हम कहें एल माइनस वन की बात किए, सॉरी 3 - 1 की बात किए, तो क्या हुआ 2 होगा हमारा एन माइनस वन, क्या है एन माइनस वन 3 - 1 = 2 हुआ, अब 2 से क्या करें हम 0 से 2 तक जाएंगे, 0 से 2 मतलब 0, 1, 2, 0, 1, 2, क्लियर बात है 0, 1, 2, ये 0, 1, 2 मतलब क्या क्या दर्शा रहे हैं हमको, ये S भी दर्शा रहा है 0 मतलब S भी दर्शा रहा है हमको, क्या दर्शा रहा है बच्चा एस बी, 1 का मतलब P भी दर्शा रहा है, अब ये P भी बता रहा है सर हमारा जो 2 होता है, 2 जो L की वैल्यू जो 2 होती है तो क्या होता है हमारा D जो है सबसेल भी दर्शाता है, तो क्या होगा एस पी डी सबसेल के पूरी की पूरी जो है तीनों जो सेल है उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है, क्लियर बात है इतनी सारे बच्चों को जो क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखो जब मैंने क्या किया, जब मैंने जो है L की वैल्यू 3 कर दी, जब L की मैंने नहीं भैया जब कैलकुलेशन से आया, ठीक है जब हम L की वैल्यू 3 मिली हमको तो हम क्या किए 0, 1, 2, 3 तक लेके गए, जो हमको क्या बताता है एस पी डी एफ सबसेल के बारे में बच्चे क्या बताया जानकारी देता है,
इतनी जो है बातें जो है आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कैलकुलेशन करके बताया एक एक बच्चा कि कैसे होता है, हम जो इसको कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे जो इसके प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है कैसे हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक और चीज ध्यान से सीखना बच्चा, हम जब पहले बात किए, पहले सेल की बात किए, उसके बाद दूसरे सेल की, उसके बाद तीसरे चौथे सेल की बात किए, वहां पर एक और चीज हम ऐड ऑन करते हैं। हमने अभी क्या सीखा, द्विगुंशी क्वांटम संख्या, द्विगुंशी क्वांटम संख्या मतलब उपकोष के बारे में जानकारी देता है सर। उपकोष मतलब क्या है हमारा, SPDF, क्या होता है बच्चे, SPDF। अब उस SPDF को यहां पर रख दें, हां सर बिल्कुल रख देते हैं, कैसे रखेंगे सर, बट रखेंगे कैसे, रहने का मतलब यहाँ पे कैसे उसको दर्शाएंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना बच्चा क्या होगा, जब n = 1 होता है तो क्या मिलता है हमको, 0 मिलता है, क्या होता है बच्चे, 0 मतलब s सब मिलता है, क्या मिलता है, s सबसेल मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख दे s सबसेल, क्या होगा बच्चा, s सबसेल, ठीक है, एस सबसेल बात कर दिए, ठीक है, एस सबसेल बात किए। अब एन की वैल्यू जब 2 होगी तो हमको क्या मिलता था, 0 और 1 मिलता था, क्या होता बच्चा, 0 और 1 मिलता था, मतलब एस पी, 0 मतलब एस, पी मतलब 2 है ना, तो क्या हो गया ये एस और पी जो है सबसेल मेरे को मिलता था। उसी प्रकार यहाँ पे मेरे को क्या मिलता था, एस पी और डी मिलता था, और क्या मिलता था यहाँ पे मेरे को, एस पी डी और F मिलता था, ठीक है। अब इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर होगी, बहुत अच्छे शानदार तरीके से सारे बच्चे इसको जान लिए, सीख लिए, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी एनर्जी, जब n की वैल्यू 1 है मतलब इसकी क्या है, ऊर्जा जो है 1 है, तो इसमें क्या लिए, 1 लगा दिए, क्लियर बात है, ठीक है। अब इसकी क्या किया हम लोग, 2 भी कर देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, क्योंकि दूसरा जो है कोस में आ रहा है, ठीक है। अब ये तीसरे कोस में आ रहा है तो क्या करेंगे बच्चे, इसमें यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 लगा दिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से 3 लगाए। अब 4 में है तो क्या होगा, 4 लगा देते हैं, 4 लगा दिए, चलो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ये हम लोग कैसे जो है हमारा जो उपकोष होता है, कोष के अंदर में अरेंजमेंट होता है, उसी हम लोग जो है एकदम इजी तरीके से सीख गए, ठीक है बच्चे। हमारा जो पहला कोष में जो है 1s आता है, दूसरे कोष में क्या होता है, 2s आता है, 2p आता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, सेम इसी तरीके से बच्चे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर सकते हैं इजी तरीके से, एकदम मैं सिखाऊंगा अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग लेक्चर जो यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इस जो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं कि हम जो है पूरा का पूरा द्विगुंशी क्वांटम संख्या बच्चे, पूरा का पूरा द्विगुंशी क्वांटम संख्या हम लोग बहुत अच्छे शानदार तरीके से बच्चे सीख गए हैं। अब आने वाला जो लेक्चर रहेगा बच्चा, वो हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के ऊपर रहेगा, ठीक है बच्चा। तो अभी का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, धन्यवाद।